आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा के पास स्थित एक छोटे से शहर कोटा के बारे में। कोटा शहर जो कि मालवा तथा राजपुताना के बीच एक अहम जगह पर बसा हुआ है। जिसे भी मालवा से होकर राजपुताना जाना हो उसे कोटा से होकर ही जाना पड़ता था। इसी कारण कोटा का इतिहास बड़ा रोचक है। कोटा चंबल नदी के पास स्थित जंगली इलाकों में बसा हुआ था। इस इलाके पर मीणा तथा भील जनजाति का प्रभुत्व था। कोटा में मुख्यतः भील राजा का राज रहा। पुरातन काल से ही कोटा के बाहर इलाकों में बड़े बड़े साम्राज्यों का राज रहा, परंतु आंतरिक इलाकों में सदा ही जनजातीय क्षत्रियों का बोलबाला था। 12वीं शताब्दी में कोटा पर भील राजा रघुआ कोटा का राज था। वहीं कोटा के पास स्थित बूंदी पर मीणा राजा जेता सिंह का राज था। सन 1241 में हाडा चौहान देवी सिंह ने बूंदी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। अब उनका अगला निशाना कोटा हो सकता था। कोटा को कभी हाड़ा जीत नहीं पाए थे। ऐसा कहा जाता है कि बूंदी के राजा समर सिंह जब कोटा को हरा नहीं पाए तो राजा समर सिंह ने छल का प्रयोग करा। उन्होंने अपने राज्य में कोटिया भील तथा उनके प्रमुख लोगों को खाने की दावत पर बुलाया। इसे भील राजा कोटिया ने स्वीकार कर लिया। जिस जगह पर भीलों को बैठाया गया था वह जगह नीचे से खोखली थी तथा उसमें बारूद भरा गया था। जब उस जगह पर सभी भील खा पी कर आराम फरमा रहे होते हैं तभी उसी जगह पर आग लगा दी जाती है जिसमें कई सारे भील मारे जाते हैं। इस आगजनी में राजा कोटिया भील बच तो जाते हैं, परंतु इसके बाद हुए युद्ध में अपनी जान बचाने के लिए वो लड़ते भी हैं, परंतु वह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह कोटा हाड़ा राजवंश के अधीन आ जाता है। बूंदी व कोटा रियासत उस समय चित्तौड़गढ़ के राणा के राज्य के अधीन आती थी। सन 1568 में अकबर जब चित्तौड़ तथा उसके बाद रणथंबोर को जीत लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोटा भी मुगल शासन के अधीन आ जाता है। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में बूंदी के राजा राव रतन सिंह अपने बेटे माधव सिंह को कोटा की जिम्मेदारी देते हैं। 1631 में राव माधव सिंह को कोटा स्टेट का स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है जहांगीर के द्वारा। बाद में राजा भीम सिंह यहाँ के ऐसे पहले मनसबदार बनते हैं जो कि महाराव की उपाधि धारण करते हैं। इस समय झालावाड़ जो कि कोटा के अधीन आता था, यहाँ के दीवान जालिम सिंह एक बड़ी ताकत के रूप में उभरते हैं, जिनके आगे कोटा की शक्ति भी कमजोर नजर आती है। वह अपनी कूटनीति और रणनीति के दम पर अच्छे से शासन करते हैं तथा तेजी से उभर रही नई शक्ति मराठों से भी अच्छे संबंध स्थापित कर लेते हैं। आगे चलकर जालिम सिंह के वंशजों और कोटा के हाड़ाओं के बीच अंग्रेजों के समय यानी सन 1818 के बाद एक संधि होती है, जिसमें कोटा का 33% हिस्सा झालावाड़ के जालिम सिंह के वंशजों को दे दिया जाता है और यह अंग्रेजों के अंत तक वफादार बने रहते हैं। राजा उमेद सिंह ने यहाँ पर काफ़ी विकास कार्य करवाए। उनके बाद राजा भीम सिंह ने चंबल नदी से सिंचाई की व्यवस्था में सुधार किया तथा हॉस्पिटल व अनेक शैक्षणिक संस्थान बनवाए। सन 1947 में भारत की आज़ादी के साथ ही कोटा राजस्थान प्रदेश का हिस्सा बन जाता है और आज यह प्रतियोगी परीक्षाओं के एक गढ़ के रूप में उभर रहा है। यह थी कोटा पर हमारी एक छोटी सी प्रस्तुति। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी राय हमें कमेंट में जरूर